हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिना एग के ऑमलेट बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हर एक को बहुत ही पसंद है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है बिना अंडे का ऑमलेट। बिना एग के ऑमलेट बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल बेसन, आधा बाउल मैदा, ये एक हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है जिसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, एक छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा प्याज हमने काट लिया है, एक छोटा प्याज। आप चाहें तो आप प्याज डालें, आप चाहें तो ना डालें। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर बेसन डाल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे ऑमलेट हम बनाते हैं सिर्फ नमक डाल के ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं इसके अंदर हरी मिर्च और प्याज भी डाल रही हूँ इसको फ्लेवर देने के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और कटी हरी मिर्च, पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे हम, बिल्कुल एग के जैसा हम इसका बैटर तैयार करेंगे। जैसे हम एग को गोलते हैं तो पतला बैटर तैयार हो जाता है, उसी तरह से हम इसको पतला करेंगे। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हमने रखी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे एग को हम घोलते हैं वैसे ही हमने इसको घोला है। फ्लेम ऑन कर लेंगे और हमने इसके ऊपर एक नॉनस्टिक तवा रख दिया है, तेल स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर, तवे को थोड़ा सा गर्म होने दें। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम बैटर को फैला देंगे कुछ इस तरह से, ये हमने बैटर को फैला दिया है। एक साइड से इसको पकने दें, आप देख रहे हैं कि जाली बन रही है, जिस तरह से ऑमलेट के अंदर बन जाता है बिल्कुल उसी तरह से इसका फ्लेवर भी होगा। आप देख रहे हैं कि एक साइड से कलर चेंज होना शुरू हो गया और किनारे जो है वो उठने शुरू हो गए। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। आप देख रहे हैं कि हमें एक मिनट हो चुका है दूसरी तरफ भी पलटाए हुए। अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। वाओ, आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा बिना एग का ऑमलेट बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये हमारा बिना एग का ऑमलेट बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम ये जो चाट मसाला हमने रखा है इसे हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से काटते हुए हम इसको सर्व कर लेंगे। इसे हम सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सॉस के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसको बनाना भी आसान है और टेस्टी भी बहुत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।